दुई नाबालिकांकु गण दुष्कर्म भुवनेश्वर रे दुई नाबालिकांकु गण दुष्कर्म अभियोग पटिया रेल स्टेशन रे 12 एवं जने 14 वर्षर नाबालिकांकु दुष्कर्म करा जायथिबा जणा पडिछि। दौड़ी रे बांधी राती सारा दुष्कर्म करा जायथिबा अभियोग होईछि। दुई पीड़िता चाइल्डलाइन एवं पुलिस द्वारा उद्धार होईछंती। एपटे जीआरपी रे एतला देछंती पीड़ितांक मां। बड़ खबर आम कहीपर दुई नाबालिका गण दुष्कर्म एवं एक खबर आसुची राजधानी अर्थात भुवनेश्वर दुईज नाबालिका गण दुष्कर्म करूचना मुताबक पटिया रेल स्टेशन रे जने 12 वर्ष एवं जने 14 वर्षर नाबालिका दुष्कर्म हो दौड़ी बांधी सारा राति दुष्कर्म कर अन्यपटे चाइल्डलाइन सदस्य एवं पुलिस खबर पाइबा पर दुई पीड़िता उद्धार कर जीआरपी पुलिस रे मध्य घटना संपर्क रे एतला होई छी। जणे पीड़ितांक मां ए संपर्क रे एतला मध्य देई छंती। अभावनीय खबर आसुची राजधानी भुवनेश्वर रु दुई नाबालिकांकु गण दुष्कर्म करा जायथिबा अभियोग होई छी। पटिया रेल स्टेशन रे घटना घटीथिबा बेले एथिरे के माने संप्रुक्त अछंती एवं पूरा घटनाक्रम कोन से संपर्क रे सविशेष सूचना आसी नाही तेबे आमे विस्तृत भाव में वर्तमान समय अपडेट नेबा एवं कोन घटना होई थाई पारे जानिबा दीपक सामल आम करेस्पोंडेंट नाम सहित जोड़ुछंती। दीपक सूचना कोन अछि आपनको पाखरे कोन घटनाक्रम पुलिस कोन कहूची देखंतु एने जदियो जीआरपी थाना रे एक मामला रुजु होईची तेबे जे घटना सामना को आसेची गतकाली राती रे ए घटना घटी दुई जन नाबालक को किछि दुर्बुत पटिया रेल स्टेशन रे गण दुष्कर्म करके हाथ गोड़ बांधि से राति तमाम गण दुष्कर्म कर अभियोग एक जदि क्या बाहर कहे तेरे से मारी देवा धमक दे दुर्बृत्त तेणु परवर्त मुहूर्त आज जो चाइल्डलाइन खबर पाई परवर्त मुहूर्त इन्फोसिटी थाना जरिया दुई नाबालिका को उद्धार कर उद्धार करा प्रथम मेडिकल ले भर्ती कराई थला अन्य पटे तांको परिवार को नै एबे जीआरपी थाना रे अभियोग कराई छि। नाबालिकां को स्वास्थ्य संपर्क रे कोनोसी सूचना देखंतु नाबालिकां को स्वास्थ्य अवस्था बे भलो अछि जहां में चाइल्डलाइन अधिकारी सहित आलोचना करथु तांकर कहबे कथा तांकर स्वास्थ्य अवस्था भलो अछि एवं जदियो राति तमाम दुर्बृत्त माने तांको गण दुष्कर्म करछंती कोटना कोटी एबे भी तांको डाक्टर टीम नजर रखिछंती। बिल्कुल दीपक ये तो अभावनीय घटना एवं अभावनीय खबर एवं राजधानी रे एभली घटना घटिबा अनेक प्रश्न स्वाभाविक भाव में सृष्टि करिबो। दुई नाबालिकांकु गण दुष्कर्म करा जायथिबा अभियोग होईछि। ए घटना उपरे आमे नजर रखिछु। आम प्रतिनिधि दीपक सामल मध्य आम सहित अछंती एवं जहां से सूचना दौछंती इन्फोसिटी थाना पुलिस एवं चाइल्डलाइन पहुंची दुई नाबालिकांकु उद्धार करिछंती एवं अन्यपटे तांकर डाक्तरी परीक्षा मध्य करा जायछि। स्वास्थ्य संपर्कित से भली कोनोसी बा खराब स्थिति नहीं किंतु आशा करा जाय पारे से तांकर स्वास्थ्य रे कोनोसी बा असुविधा होई न पारे। यार भितरे पुलिस तदंत मध्य आरंभ करिछि वास्तव रे के माने दुर्बृत्त काही के भली एक घटना घटीगला सारा राति दुई नाबालिकांकु केमिति केउ परिस्थिति रे माने बांधी गण दुष्कर्म करिछंती एवं राजधानी रे जेते बेले एभली एक घटना घटुछि अनेक प्रश्न सृष्टि करिबो। आईन श्रृंखला परिस्थिति कथा कुवंतु राति पेट्रोलिंग कथा कहतु निश्चय तमाम दिग उपर प्रश्न उठी। दीपक वर्तमान सुधा पुलिस कौन कौन दुर्बृत्त किए मैंने समस्त चिन्हट हेले कित सुधा गिरफ हे देखु गत रात घटना जदिव प्रथम इनफोज थाना पुलिस परवर्त मुहूर्त में मंचेश्वर थाना पुलिस घटना को जा तदंत आरंभ करते कि परवर्त मुहूर्त में स्पष्ट होता जितेबाद रेल स्टेशन घटना घटी तेणु ए घटना को जीआरपी अधीन अच्छी तेणु जीआरपी थाना पुलिस ए घटना को गुरुतर सह नहीं जितेबाला पीड़िता मां अभियोग कर जीआरपी थाना रे ता परवर्ती मुहूर्त में पुलिस जदिओ आज एवं परिवार लोक थाना अच्छा हुए तो आसंता काले जीआरपी थाना पुलिस संपुक्त स्टेशन को जीव जो दुई नाबालिका को गण दुष्कर्म करता से स्पॉट को जीव से साइंटिफिक टीम जरिया तदंत कर जदिओ के क्यों दुर्बृत्त मैंने गण दुष्कर्म कर स्पष्ट होनी तेणु कौटि ना कौटि पुलिस आशा रखी बोध हुए सीसीटीवी फुटेज किंवा सीसीटीवी कैमरा को आधार करी बोधे पुलिस किसी ना किसी सुराग पाई कि सुधा पुलिस से भाई कौन सुराग मिल पारे ना कहीं प्रथम इन्फोज थाना पुलिस को अवगत कराइला जदिव घटना टी रेल स्टेशन भितर होता तेणु पुलिस संगे संगे जीआरपी थाना को अवगत करता तेणु जीआरपी थाना पुलिस मामला रुजु कर सारी तेणु बोधे आसंता का जीआरपी थाना एक टीम घटनास्थल को जिते और दुई नाबालिका बयान नकल कर कहीं क्यों भाई परिस्थिति से गण दुष्कर्म करागला विशेषकर कौन करुले क्या चिन्हते कि ये सब दिग नहीं कौट ना कौटि बोध हुई आसंता का जीआरपी थाना पुलिस तार तदंत आरंभ कर।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବା ପୋଲିସ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ରାତି ସାରା ବାନ୍ଧି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ତ ଅଭାବନୀୟ ଖବର ପୋଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ନୂଆପଡ଼ା।